नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021 एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जदयू हम पार्टी से संतोष मांझी, वीआईपी से मुकेश साहनी शामिल हुए। एनडीए के नेताओं ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि तारापुर से राजीव कुमार सिंह, कुशेश्वर स्थान से अमरभूषण हजारी उम्मीदवार होंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हमारे दोनों उम्मीदवारों की जीत निश्चित है। वहीं ललन सिंह ने कहा कि तारापुर सीट से जदयू चाहती थी कि स्वर्गीय मेवालाल चौधरी के बेटे चुनाव लड़ें, लेकिन वह विदेश में रहते हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आपको बता दिया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दो उम्मीदवार हैं। कुशेश्वर स्थान से तो हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है, जो हम लोग के साथी विधायक शशिभूषण हजारी जी का जो असामयिक निधन हुआ उसके कारण, और उनके स्थान पर उनके पुत्र को हम लोगों ने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। और उसी तरह तारापुर में भी हम लोग चाहते थे स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के पुत्र को उम्मीदवार बनाना, लेकिन चूंकि वो विदेश में रहते हैं उन्होंने असमर्थता जताई, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं। तो इसलिए जो एक कार्यकर्ता हम लोग के साथ सब दिन से समता पार्टी के समय से जो एक साथी हम लोग के साथ जुड़े रहे हैं और वहाँ काम करते रहे हैं, उनको राजीव कुमार सिंह को हम लोगों ने वहाँ से उम्मीदवार बनाया। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों सीटों पर उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत से हम दोनों सीट वहाँ से चुनाव जीतेंगे। बहुत लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी देख रहे हैं, वो हसीन सपना देखते रहें, सपना सपना ही उनका रहे। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।